नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स, में हूं आपके साथ साक्षी। तो शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। वैक्सीनेशन का महारिकॉर्ड, एक दिन में 85 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई, 16 लाख टीके लगाकर एमपी पहले नंबर पर। आपकी नजर फिर पंजाब पर, अमृतसर पहुंचे केजरीवाल ने कहा, हमारी पार्टी जीती तो राज्य में सिख ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हम कांग्रेस नेता सिद्धू का सम्मान करते। बंगाल में चुनावी हिंसा की जांच होगी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हाईकोर्ट के आदेश पर 7 सदस्यों वाली कमेटी बनाई, पीड़ितों की शिकायतें सुनेंगी। देश में कैसे होगी कोरोना की तीसरी लहर, यूएस में दूसरा पीक 3.5 लाख केस तक गया था, तीसरी लहर में यह 85,000 हो गया, यही ट्रेंड भारत में भी रहा तो यहाँ 1.25 लाख तक केस आएंगे। यूपी में धर्मांतरण के लिए फंड दे रही ISI, इस्लामिक दावा सेंटर के नाम पर अलग अलग देशों से फंड आते थे, इसका बेस नोएडा में था, मुखबतीर और गरीब लोगों को बनाते थे निशाना। उड़न तस्करियों पर शोध करने वाले जर्मनी ने किए बड़े खुलासे, उड़न तस्करियां अमेरिका के किसी खुफिया सुरक्षा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं, इनके दूसरे लोग के होने का भी कोई सबूत नहीं। फ्री वैक्सीनेशन का विवादित प्रचार, UGCA का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को फरमान, मुफ्त टीके के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने वाले बैनर लगाए। 2024 में मोदी के मुकाबले कौन पवार से मीटिंग के बाद, प्रशांत किशोर बोले, तीसरा या चौथा मोर्चा बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकता है। कश्मीर में सियासी हलचल, मोदी की बैठक से पहले गुपकार गठबंधन आज मीटिंग करेगा, फारूक अब्दुल्ला के घर पर बनेगी आगे की रणनीति। कोरोना पर राहुल गांधी, मोदी सरकार के मिसमैनेजमेंट पर रिपोर्ट जारी की, बोले सरकार की लापरवाही की वजह से खतरनाक हुई दूसरी लहर। इमरान खान का बेतुका बयान, पाकिस्तान PM बोले अगर महिलाएं बहुत कम कपड़े पहनेंगी तो पुरुषों पर इसका असर पड़ेगा ही, यौन हिंसा के लिए भी यही जिम्मेदार। वैक्सीन के लिए लेट लतीफी, भारी न पड़ जाए, भारत सरकार और फाइजर के बीच जवाबदेही वाली शर्त अब तक कागज पर नहीं, टीके के लिए अगस्त तक इंतजार करना पड़ सकता है। दुनिया में जारी है कोरोना महामारी का आतंक, रूस में कई जगह कोरोना की स्थिति गंभीर, पुतिन बोले जिन्हें वैक्सीन एक बार लग चुकी उन्हें फिर लगेंगी डोजे। द न्यूयॉर्क टाइम्स के विशेष अनुबंध के तहत अमेरिका ब्रिटेन में खतरनाक जानवरों को पालने का ट्रेंड बढ़ा, इनमें कई प्रकार की मकड़ियां, कॉकरोच, हेडहॉग और अजगर शामिल। RML में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण, JP नड्डा ने कहा, विपक्ष की टीकाकरण अभियान को भटकाने और लटकाने का काम किया है। कांग्रेस का केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल, कांग्रेस बोली दिल्ली को कोरोना से मौत में नंबर वन बनाने वाला केजरीवाल। उद्योगनगर स्थित फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 50 से अधिक दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, 4 को सुरक्षित निकाला। गो फास्ट से सावधान, क्योंकि यात्रा की तो आएंगे लास्ट, एयरलाइंस रोजाना 7 फ्लाइट्स में टिकट बुक कर रही लेकिन उड़ान सिर्फ एक भर रही, दूसरी एयरलाइन में एडजस्ट कर रहे। बीजेपी राज की स्कूल ड्रेस बदलेगी गहलोत सरकार, सरकारी स्कूलों के 80 लाख बच्चों की यूनिफॉर्म का रंग बदलने की तैयारी, 2017 में बीजेपी राज ने बदला था रंग, इस बार मुफ्त मिलेगी ड्रेस। प्रदेश को मिली सौगात, रणथंभौर, सरिस्का व मुकुंदरा के बाद रामगढ़ चौथा टाइगर रिजर्व, NTCA ने दी मंजूरी, जल्द छोड़ेंगे बाघ। आज की खास खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स, नमस्कार।